नागराज तक्षक की जय हो। जय हो, जय हो। नागराज तक्षक की जय हो, जय हो, जय हो। बस तुम्हें ही करते रहो डीप्रू। आपके गुस्से का कारण नहीं समझ पाया नागराज, ऐसा क्या हो गया? दुख तो इस बात का है डीप्रू, तुम भी कुछ नहीं कर सके। इतना समय बीत गया, अर्जुन का पता अभी भी नहीं लगा पाए। निकम्मे हो तुम सब, नालायक हो। क्षमा करें नागराज। गुरु वासुकी की शक्तियां अर्जुन की ढाल बनी हुई है। कुछ नहीं सुनना है मुझे डीप्रू। वासुकी से कम शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, परंतु तुमने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इस भ्रम में मत रहना, महाराज तक्षक तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। महाराज तक्षक सर्वशक्तिमान है। तो क्या हुआ अगर वासुकी ने अर्जुन की आत्मा को मुक्त कर दिया? महाराज तक्षक उसी अर्जुन को अपने चरणों में गिराएंगे, उसका नाश करेंगे, उसका सर्वनाश करेंगे। चाची, चाचा, असलम, इना क्या हुआ? चाची कहाँ? चाची को, चाची, क्या हो गया? इना असलम, तुम लोग कैसे घबरा क्यों रहे हो? कुछ ठीक तो है ना? चाची, वो लोग सब उस राक्षस को ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारे अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। और अगर वो राक्षस, मतलब है अर्जुन, अगर अर्जुन शहर में दिख गया तो ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसे। जिंदा क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो राक्षस नहीं है, वो मेरा अर्जुन है। कितनी बार कह चुकी हूँ आप सबसे मैं। चाची, आंटी, आंटी, ये बात हम जानते कि वो अर्जुन है, पर हम ये बात बाहर कैसे साबित कर पाएंगे? और हम कुछ बताएंगे भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। मतलब अर्जुन का अमरौली वापस आना खतरे से खाली नहीं है। हाँ चाचू, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो अमरौली के लोग उसको मार डालेंगे। ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे अर्जुन को? की पापा से पूछे, I'm sure उन्हें कोई तो आइडिया होगा। वासु की पापा, पापा कहाँ हैं आप? भोलेनाथ। नाग लोक के प्रमुख जनों, ये युद्ध किसी मामूली अर्धनाग के विरुद्ध नहीं है। वो अकेला है परंतु शक्तिशाली, क्योंकि वो नाग अर्जुन बन चुका है। नाग लोक के बजाय पृथ्वी लोक के प्रति अपनी निष्ठा जता रहा है। क्या आप सब इस युद्ध के लिए तैयार हैं? अरे मुख पर ये चिंता के बादल क्यों अस्तिका? ऐसा क्या है अस्तिका जो तुम्हें विचलित कर रहा है? संकोच कहो अस्तिका। इस युद्ध को रोक दीजिए महाराज। जहां से मैं देख रहा हूं ये केवल और केवल विनाश की ओर जा रहा है। अपना निर्णय बदल लीजिए। भूलो किसके सामने खड़े हो तुम अस्तिका। मैं अपने विचारों से आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, परंतु इतना अवश्य जानता हूं
कि क्रोध में लिया गया हर निर्णय अक्सर अनुचित होता है। अनुचित और उचित की परिभाषा हमें मत सिखाओ अस्तिका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वासुकी की मृत्यु के बाद तुम कमजोर पड़ गए हो, या फिर पुत्र मोह जाग आया है तुम्हारे अंदर? गुरु, वासुकी की मृत्यु से एक चीज मैंने अवश्य सीखी है कि किसी भी समस्या का समाधान उसे मिटाने से नहीं होता, उसका हल ढूंढने से होता है। अगर हम इस समस्या को मिटाने के बजाय इसका हल ढूंढते तो आज गुरु वासुकी हमारे समक्ष होते। और रहा मेरी निष्ठा का सवाल, तो नागलोक के प्रति मेरी निष्ठा हमेशा से उतनी ही रही। मैं एक चीज अवश्य कहूंगा महाराज, जिसे आपने बनाया है उसे अपने हाथों से मिटाइए मत। उस पर जीत नहीं, उससे जीत हासिल कीजिए। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि हम अर्जुन को क्षमा कर दें? जी, नागलोक का हित अर्जुन के विनाश में नहीं है, अर्जुन के साथ खड़े रहने में। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को आपके समक्ष लाकर खड़ा करूंगा। नागार्जुन की शक्तियां नागलोक के वर्चस्व को ब्रह्मांड में फिर से स्थापित करेंगी। मैं वचन देता हूं। उचित कहा तुमने अस्तिका, जिसे जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसे क्यों मिटाना चाहिए? क्योंकि तुमने वचन दिया है इसलिए मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। किंतु अगर तुमने अपना वचन नहीं निभाया तो मैं अर्जुन के साथ पृथ्वी लोक का नाश कर दूंगा। नाश अस्तिका, सर्वनाश। देखिए, आज आप सबको यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। इस राक्षस को हम सब देख चुके हैं और उसे पहचानते भी, लेकिन ये राक्षस कहीं भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी चेहरा ले सकता है। हो सकता है कि आप में से किसी का भी चेहरा ले सकता है। इसीलिए हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा और जहाँ कहीं भी ये राक्षस दिखे उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? हाँ सर, कैसे पता चलेगा कि वो वही राक्षस है? जैसे ही आप सब उसे देखेंगे अपने आप ही पहचान जाएंगे। पर हमें अभी अभी पता चला है कि वो राक्षस अमरौली में इंसानी रूप में आ रहा है और किसी भी पल यहाँ आ सकता है। अरे ये कौन है? इसे अमरौली में पहले तो कभी नहीं देखा। कहीं यही तो वो राक्षस नहीं है?